देख रहे हैं ना बस, आपके डर से पूरा गांव के लोग गांड छुपा के घर में घुस गया है। रे गान है छिनार नहीं। हाँ हाँ बॉस खाली गोली मारते हैं, गान नहीं, वो तो हम मारते हैं। बॉस बॉस, जब यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है ना, तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जा बेटा, नहीं तो मटका डॉन आ जाएगा। मटका नहीं, सिर्फ डॉन बोलो, डॉन। मटका बोलने में अच्छा नहीं लगता है। ए, ए, मटका इधर आ। जैसे बोलिए, अरे मटका नहीं डॉन मटका बोलिए, मतलब कि केवल डॉन बोलिए, डॉन। हाँ हाँ जी हाँ, तेरे से तनखा नहीं आ। चलिए बॉस, हमको लगता है ना बुढ़वा कहीं सुपारी देगा। हम सुपारी नहीं पान खाते हैं। सुपारी तो हम खाते हैं। ये मदर मटका करिए एक बार दोनों चपाटे मारा। बॉस सुपारी के मतलब कि केकरो मारने का पैसा वैसा देगा। पैसा देगा? हाँ। तब चलो। चलिए। हाँ बोलिए, हाथ मटर फूल मटर किडनैपिंग क्या करवाना है? रे छोरा सा, भर दिन जे कुत्ता के तरह बौआइत रहै छे, कोई काम धंधा कला ना कर लै छे रे। है आई बोझा के उठो और रोड पे रख दे, 200 रुपया दे देबो। आप जानते हैं कि आप किसको बोझा उठाने के लिए बोल रहे हैं, और 200 रुपया में? अरे जब 20-20 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है ना, तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जा बेटा, नहीं तो मटका डॉन आ जाएगा। डॉन आ जाएगा, डॉन। वाह बउआ, तू तो बड़ा अच्छा डायलॉग बोलै छ, तोरा तो हीरो होय के चाही। थैंक यू चाचा, थैंक यू। हां हां ठीक ठीक, तनी जल्दी से हमर बोझा उठा के रोड पे रख दे। रे कर के बंदूक निकाल। अब बॉस बंदूक तो आपके हाथे में है, इसका सजा तो जरूर मिलेगा बुढ़वा। बॉस ये बूटा का बेटा दरोगा है। ए तू दोनों काधी मुंह दगा छे, चाचा के बोझा उठा के रोड पर देना नहीं। चाचा का बोझा? तीन गो है बउआ। अच्छा लावा है वो, हम उठा ले छी। अच्छा ले चाचा। हां चलो बउआ, तने चलो तेजी में ले चाचा, तोर बजा रोड पर पहुंचा दे लियो। रे मुटका इतना काहे खाता है रे, दिन पर दिन टायर जैसन फैलते जा रहा है, कि वो दिन टायर जैसन फट जाएगा तो मर जाएगा। रे चल। रे पैसा ले ले ना। अपना आदमी से क्या पैसा ले? अच्छा ठीक है ठीक है, अपना आदमी से तो गार लिया जाता है। बेटा दरोगा है इसीलिए छोड़ दिए है, नहीं तो गोली मार देते। आइए बॉस, आज दिन से हमको गरीबा नहीं बोलिएगा। काहे ले रे? काहे कि हम करिया नहीं, गोर है। ओ ले 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 ले, बीस से सुंदर है करियक्का कोयला भोसड़ी के। हेलो दोस्तों, इस महंगाई के जमाने में आप भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन चीज, वो है पॉकेट ऑप्शन। पॉकेट ऑप्शन 2017 में शुरू हुआ था, आज ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कंटिन्यू डेवलप इंप्रूव कर रहा है। पॉकेट ऑप्शन के पास 1 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर है, 95 से ज्यादा एवरेज ट्रेडर का इनकम पर मंथ $850 प्लस है। कुछ फीचर्स जो मुझे बहुत पसंद आया पॉकेट ऑप्शन के, जो है 100+ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, फॉरेक्स स्टॉक एंड क्रिप्टो, 50+ डिपॉजिट मेथड, आप फोन पे UPI पेटीएम वीजा और बहुत सारे। सबसे अच्छी बात 0% कमीशन ऑन डिपॉजिट और विड्रो, $10 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट और 24/7 कस्टमर सर्विस, और मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर जो बाकी के ब्रोकर से अलग है S5। ये फीचर से आप ट्रेड को 20% तक फास्ट कर सकते हैं दूसरे ब्रोकर से। अगर आपको भी चेक और एक्सपीरियंस करना है कि पॉकेट ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे होता है, तो आप ट्राई कीजिए डेमो अकाउंट, जहां पे आपको मिलेगा $10,000 और सीख सकते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद लगा सकते हैं वो भी बस $5 में। तो गो एंड चेक आउट पॉकेट ऑप्शन फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ले एक लन होलो, ले बैट लाइट हल। बॉस आपका डर इस गांव में इतना है ना, कि बड़का बड़का आदमी को आपका नाम सुनते ही पेंटे में हंगामा उठ जाता है। ले मटका देखा नहीं चो, यहां खेल लियो जो मैं। ये जानवर के छोड़ा हमने भैलू नहीं करता है। शांत बॉस शांत। हट ले कि नले मटका ना, तो एक के बैठ मालबा की पचका ही दे। हट रहने दीजिए बॉस, रहने दीजिए, बच्चा से मुंह ना लगाइए ना तो मार उड़ देगा, तो इज्जत खराब हो जाएगा। अब मुंह तो हम लगाते, वो भी अपना मौगी से, बड़ा मजा आता है। भाग ले कि नले मटका। हां हां जा रहे हैं जा रहे हैं, चलिए बॉस चलिए चलिए। ले खेला ले खेला। हां तो बॉस हम कहां थे? हां
बॉस आपका नाम सुनकर ना गांव के अच्छे अच्छे लोग को पेंट में पिसाव हो जाता है। चुप जरा चुप, जानवर के छोड़ सा उन्हें भलुआ नहीं करता है और तू सा तेल मालिश करके आसमान में उड़ा देता है। बॉस हम तो तेल लगा के पताले में घुसा देते हैं। चुप करके बैठ चुप। बॉस हम करिया नहीं गोर है, हमको गोरका बोलिए। साला कुछ ऐसा करना होगा ना जिससे हमारा डर गांव के पूरा बच्चा बच्चा पर हो। बॉस बॉस हम एगो भोजपुरी फिल्म देखे थे, लहंगा उठा के सैया मारे सटासट, ओई में ना एगो छोटका गुंडा रहता है, एगो के जमीन पर कब्जा करता है तो ऊपर का गुंडा बन जाता है। और आप अभी तक केकरो जमीन पर कब्जा नहीं ना किए हैं ना, एहे से तो आप कुछो नहीं बन पाए, ना डॉन ना गुंडा। आप किसी के जमीन पर कब्जा कीजिए, आप 100% बड़का डॉन बन जाइएगा। ठीक है तो चला जमीन पर कब्जा होगा। ठीक है चलिए बॉस, पैदल जाइएगा। अरे वो फिल्म ना जमीन पर कब्जा करने गुंडा सब ना चार चक्का से जाता है। वो सब बात तो ठीक है लेकिन चार चक्का आएगा कहाँ से? अरे भाड़ा बॉस, आगे हम बैठेंगे, पीछे हम बैठते हैं तो हमारा उल्टी हो जाता है। हम वो पीछे नहीं बैठेंगे, हम वो आगे बैठेंगे, हमारा उल्टी हो जाता है। तो हम बाप के लौड़ा पर बैठेंगे? नहीं बॉस, हमारा लौड़ा पर है। चलो क्या हुआ बॉस? लगता है गार्ड में कुछ घुस गया है। सॉरी बॉस सॉरी, चाबी है ना से खड़ा हो गया है, रुक जाइए सुता देते हैं। अरे बड़ा मोट चाबी है तोहर। हाँ बॉस बड़का तला के चाबी है ना, यही से तनका मोटा है। अरे करिक बंदर उतरिए उतरिए। ए बुर्बा, आज से पूरा जमीन ये मटका डॉन मतलब कि डॉन का हुआ। ई ले कागज और इस पे अंगूठा लगा। तू से कौन होते रे? जब 20-20 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जा बेटा नहीं तो मटका डॉन आ जाएगा। मतलब कि डॉन आ जाएगा डॉन। अच्छा डॉन होते तू सा? हाँ। कौन साला सर? क्या बोला सब मुखर्ति देखा जा मार साला सके सके मार। कौन बात ये आजकल का टिनी छोरा सा डॉन बने चलल है, तोरा से उसन डॉन के झाट से फांसी ला के मार दे छिए, पूरा गांव के नाम बदनाम करके रखले हवा। रुक सल अभी तो सब पंचायती बैठवा छिए, अभी मुखिया जी का फोन करके बोलवा छिए। हेलो मुखिया जी। हुजूर आप बुलाए हम चले आए, जनता के सेवा में हर समय हाजिर रहते हैं, इसीलिए इस बार वोट हमरे दीजिएगा। केला छाप पे तना 5 कर हमरा जेबी में जाएगा, मतलब कि जनता के हित में जाएगा। अच्छा देखिए तो मुखिया जी, आजकल के छोरा सो दुर्पिया और टिपटुपिया बंदूक लेकर गुंडा बनने चला है, सो इससे गार्ड होने आता नहीं है तो गुंडा बनता है। अच्छा आपका जमीन हथिया नहीं हुआ था? हाँ। अरे कौन पंचायत का? अरे बदल वाला पंचायत के है मुखिया दी, थादा तनी तो तत्व दे दिया तब ना अपना पंचायत में आपका बैलू बोलेगा आ तू नाम नतगीद में आ रहा है, पूरा वोट आप ही को गिलेगा। अच्छा ठीक ठीक, बताइए दोसर पंचायत के छोरा सब आके हमर पंचायत के आदमी को परेशान करेगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका सजा तुमको जरूर मिलेगा। अपन थूक फेंक के चाटो और इनका पैर पकड़ के माफी मांगो तब ये जाने देंगे। इंतजार तरीका चट थूक फेंक के चट। हाँ चट चट। देखिए हम आपके लिए कितना काम किए हैं, तो ये बार वोट हमरे दीजिएगा तो छाप याद रखिएगा केला। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तीनों के अपना पंचायत फेंक के आओ। जी मुखिया जी। प्रणाम प्रणाम। बंदा क्या हुआ बस? अब हम डॉन कैसे बनेंगे? साला मुखिया आपको खेत में सबके सामने थूक चटवा दिया, अब हम घर से बाहर निकलते हैं तो लोग से कहता है। क्या कहता है? खेत में घटल घटना बा, मोटका थूक चटना बा। हम तो ढोरी चटना है। चुप करियकवा। बॉस हम करिया नहीं गोर है, हमको गोरका बोलिए। बॉस बॉस हम ना एगो भोजपुरी फिल्म देखे थे जेमे एगो गुंडा ना एगो आदमी के थूक चटा देता है तो वो आदमी ना वो गुंडा के मार को और कुरो से बड़का गुंडा बन जाता है। मतलब? मतलब ये कि आपको मुखिया थूक चटाया था ना हा? तो आप मुखिया को टपका दीजिए और बहुत बड़का डॉन बन जाइए।
अच्छा मतलब कि मुखिया के ठोक देंगे तो बड़का डॉन बन जाएंगे ना। हाँ बॉस, उसके बाद आपको कोई थूक क्या गूं तक नहीं चटाएगा। मतलब कि इज्जत करेगा बॉस, इज्जत करेगा। जब 20-20 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोएगा ना तो उसकी माँ बोलेगी चुप हो जा बेटा, नहीं तो मुखिया को मारने वाला डॉन आ जाएगा। अच्छा ठीक है तो चलो मुखिया के मार का बड़का डॉन बन जाएंगे। हाँ हाँ जाइए जाइए, बिना सोचने समझ ले जाइए। अगर मिस्टेक हुआ ना, मुखिया नहीं मारा ना, इबे थूक ना, इबे कुछ और चटा देगा। वो तो हम चटा देंगे। अच्छा तू ही बताओ कि कैसे मारेगी मुखिया, इतने बार में मर जाएगा। हाँ तो सुनिए, हम एगो भोजपुरी फिल्म देखे थे बहुत दिन पहले, उनमें ना मारने से पहले प्लान बनाता है तब मारने जाता है। क्या प्लान बनाता है? इधर आइए। अच्छा ठीक है तो निकाल साइकिल। पूरा चपाटे हम बॉस मारना चाहते हैं। कितना लाएगी? ना बॉस कह रहे हैं साइकिल से जाइएगा, अगर मुखिया के आदमी पीछा कर दिया तो साइकिल से भागिएगा, वह तो मां का सुता के फाड़ देगा। अरे गाड़ी मंगवाइए, अगर पीछो करेगा ना तो गाड़ी में पटाख से बैठेगा, सराख से उड़ जाएंगे। आ गाड़ी में आगे हम बैठेंगे, काहे के पीछे हमको उल्टी हो जाता है। ना ना इस बार आगे हम बैठेंगे। तो ठीक है तो जाइए, हम नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है तो तुम ही बैठ जाना आगे। मंगवाए तो गाड़ी? हाँ मंगवाओ। अच्छा ठीक। मुखिया की गोली मारे से पहले है दोनों सारा की गोली मार देंगे। राहुल ये बार बैलून को नहीं दबाना है, ये बार सिर्फ केला को दबाना है। आप टेंशन नहीं लीजिए मुखिया जी, ये बार केला पर वोट दबा के आपको विजय कराएंगे। युवा का छाप केला छाप। बॉस 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 किधर गए? बॉस बॉस माफ कीजिए बॉस, गलती हो गया बॉस, गलती हो गया। सारा सा गाड़ी में बैठने के बाद देखो नहीं करता है कि हम बैठे कि नहीं बैठे। मुखिया जी देखिए ना, थूक चटना आया है कि रे छोड़ा सा, फिर थूक चाटे हमारे गांव में आया है कि? ए मुखिया तुम हमको नहीं जानते हो, हम है डॉन। जब 20-20 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है ना तो उसकी माँ बोलती है चुप हो जा बेटा, नहीं तो मटका डॉन आ जाएगा। मतलब कि डॉन आ जाएगा डॉन। ए मुखिया आज तो हर अंतिम दिन है, तू हमको नहीं जानता है, हम अभी तक 400 मर्डर किया है। 400 कहिया बॉस? ये तो आपका पहला मर्डर है। साला झुलटिस मार रहे हैं। अच्छा अच्छा बॉस, आप 400 नहीं 4000 मर्डर किए हैं। 10,000 का तो टांग तोड़े हैं, 20,000 का तो हाथ तोड़े हैं, और 30,000 का तो आप झांट उखा रहे हैं। बस कर होगले होगले। अच्छा अच्छा अच्छा। हे मुखिया तू हमारा उस दिन थूक चटाया था ना, आज हम तो धूल चटाएंगे धूल। लाओ रे लीजिए। भोसड़ी के ही क्या दे रहा है? आप ही ने बोले हम मुखिया को धूल चटाएंगे तो धूल दिए हैं। भोसड़ी के बंदूक लो। ए मुखिया आज हम तोरा नहीं छोड़ेंगे। लाओ ने रे। बॉस हमारा पास बंदूक नहीं है, ओकरा पास होगा। ए करिकवा बंदूक लो। बॉस हम करिया नहीं गोर है, हमको गोरका बोलिए। भोसड़ी के बंदूक लो। बंदूक हमारा पास कहाँ है? ओकरे पास होगा। तू दोनों क्या ओकरा ओकरा लगा ले, ला बंदूक जल्दी। बॉस हमको लगता है ना अब बंदूक घर ही पर छूट गया है। रे बबुआ सब भूखी देख रहा है, ये झाड़ सर के छुआतर मुखिया को मारने आया है, जाके मार से लगे। 200 रुपया देंगे, जोड़े जोड़े दारू देंगे। रे तू हमें मुखिया को मारेगा, भागिए ना बॉस, मुंह कैसे देख रहा है। प्रणाम मुखिया जी, अब माफ कर दीजिए, गलती हो गया मुखिया जी। ये बउआ सा कर कुछ ना सुन, मार के दमुआ कदे साला के। हां मार साला के। तो ये वीडियो
आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप जहां मन तहां शेयर कीजिए, लेकिन कीजिए, आप तो जानते ही हैं। और हाँ, न्यू सॉन्ग आया है, उसका पोस्टर इधर उधर दिख रहा होगा, जाकर क्लिक करके सुनिए, बताइए सॉन्ग आप लोगों को कैसा लगा। और बीसी म्यूजिक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू सॉन्ग अपलोड हो ना तो आप पर सॉरी आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके, सबसे फास्ट पहुंच सके। तो जल्दी से वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बीसी म्यूजिक।